हेलो नमस्कार आदाब वेलकम बैक टू द चैनल हंड्रेड फेस व्लॉग्स। वेल थंबनेल देखा? थंबनेल मतलब जो वीडियो में क्लिक करने से पहले जो पिक्चर आता है उसमें देखा ना? यस गाइस, सो फाइनली मैंने मेरा जो एक ड्रीम था मैंने वो कंप्लीट किया। मतलब व्लॉगिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जो आवाज को अच्छे से कैप्चर करे। मेरा पहले आवाज कैप्चर होता था बट सराउंडिंग के भी आवाजेस, मतलब आवाज जो होता था वो बहुत ज्यादा कैप्चर होता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो रहा है। जस्ट बिकॉज मैं आज जो है वो मैं री अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि कल जो मुझे पार्सल आया था, जो चीज के लिए मैंने जो चीज मैंने मंगाया था, वो जो पार्सल आया था वो रहा नहीं गया मेरे से, तो मैंने उसको कल ही अनबॉक्स कर दिया। ओके, सो अनबॉक्सिंग तो मुझे करना है और वो करना है इसका जो ये है, ये मैंने मंगाया है रोड का वीडियो माइक्रो। ये जो है देखा जाए तो सेकेंड लेवल है, आई मीन टू से कैसे बताऊं, एक उससे कम वाला है जो सिर्फ माइक वाला है, वो आप अपने DSLR फोन से अटैच कर लो, उसके साथ आपको डायरेक्टली आवाज़ सुनने मिलेगा। लेकिन मुझे बेस्ट लगा ये वाला क्योंकि वायर जो कनेक्टेड रहता है, जो मैंने आपको पहले जो वायर कनेक्टेड रहता है वो कभी कभार कट भी जा सकता है। आई मीन आप कुछ कर रहे हो, करते करते वो निकल गया तो बेकार, उससे अच्छा मैं क्यों ना उसको उसी पे माउंट कर दूँ DSLR पे, तो आवाज़ भी कैप्चर करने में इजी रहेगा। आपको भी वही लगता होगा ना? सो मैं एग्जैक्टली इसका जो अनबॉक्सिंग है, मतलब पूरी तरह से अनबॉक्सिंग करने नहीं वाला, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर जो सामान मिलता है वो बच्चा बच्चा भी लगा देगा। मतलब कैसा है ना, लगा देगा मतलब इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि माउंट बच्चा आई मीन टू से समझ लो यार, मतलब जिसको समझ में आता है वो बराबर से इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि इसमें कोई बोलते हैं ना हैवी सेटिंग्स नहीं। इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको 2 साल की वारंटी है, नो बैटरी रिक्वायर्ड, क्योंकि बैटरी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कैमरे के माइक से, मतलब जो कॉर्ड है 3.5 जैक का कॉर्ड है वो उसमें अटैच हो जाता है। कॉम्पैक्ट साइज है और उसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, शॉक एब्जॉर्बर है, अगर हिला भी तो वो कम से वो जगह पे रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे कितने में मिला, और इसके बारे में ये ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये इसका मार्केट प्राइस कुछ अराउंड 6,500 के करीब है, बट मुझे अमेजोन से अच्छा प्राइस में मिला तो 5,090 में मिल गया, और अमेजोन आई बिलीव ऑन अमेजोन। रही बात अभी इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर की जो भी है वो प्लास्टिक सेटिंग से मैं वो ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाला। सो एग्जैक्ट मटेरियल है वो मैं आपको ये बताता हूँ, ये है एग्जैक्ट मटेरियल, फोकस हो जा, फोकस हुआ, ये एग्जैक्ट मटेरियल है, ये रोड का माइक है। अरे यहाँ यहाँ पे हो जा भाई फोकस, तो ये एग्जैक्टली मटेरियल है इसका, ठीक है, और इसका ये शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर है, और ये उसका ऑक्स केबल है। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि आपको कोई दूसरा ये पॉइंट उसका, ये पॉइंट उसका, ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, दोनों सेम ही है। तो ये वाला एक पॉइंट आप लगा दो इसके अंदर, ठीक है, अच्छे से प्रेस करिएगा, क्योंकि ये कभी कभी ना पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली अंदर गया है कि नहीं, अच्छे से प्रेस करना, दूसरा जो पॉइंट है वो कैमरे के, मतलब कैमरे में अटैच हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसा खुलता भी है टाइट करने के लिए, ये बस इसको सब अटैच करके इसको टाइट कर देना। सबसे बड़ी बात ये तो मिला है, ठीक है, ये मिला, लेकिन इसके साथ और एक भी चीज़ मिलती है, वो है कैट फर। ये है कैट फर, वो भी रोड कंपनी का है, बहुत ही सॉफ्ट भी है। सो ये एग्जैक्टली कैसा काम आता है, जब विंड कुछ ज़्यादा ही ब्लो करता है तो उसमें ये उसका कट करके, मतलब आवाज़ को अच्छे से फ्लो करता है, इसमें कैप्चर अच्छे से होता है, नॉट बैड। और जब ये कैट फर लगने के बाद उसका कुछ इस तरह से पकड़ लें फोकस, हाँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखा आपको, यहाँ पे रोड, ये माइक। अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सब तो इंस्टॉल कर दोगे, इसको भी अटैच कर दोगे, लेकिन कैमरा के अंदर के जो सेटिंग्स है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वीडियोस में
बोलते हैं ना YouTube के वीडियो में इसका जो सेटिंग्स है वो थोड़ा कम बताया गया है. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू शो यू कि कैसे वो उसमें अटैच होता है. मतलब अटैच होने के बाद उसके सेटिंग्स में क्या रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. ऑलराइट, सो अभी मैं जो रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो मेरे फ़ोन से करने जा रहा हूँ. तो इंस्टॉल करने के बाद, आई मीन माउंट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा. ये जैसे उसका नीचे का मैंने फिट कर दिया, ये एग्जैक्टली घूमता है. हाँ, ये घूमता है ऐसा करके. जैसे आप इसको अटैच कर दोगे इसमें तो ऐसा टाइट कर देना इससे. तो इसका जो पीछे का जो लॉक है यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है. और इसका जो केबल है दूसरे का, ये माइक में लग जाएगा. मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैंने देखा है कि ये बोलते हैं कि इसको ऐसा घुमा नहीं सकते एंड ऑल. अरे ऐसा कुछ भी नहीं है. वो जो मतलब अगर कैमरा के टर्मिनोलॉजी में चाहिए तो देखो ऐसा घूम भी सकता है. ऐसा चाहिए तो ऐसा बंद कर दो, ऐसा चाहिए ऐसा घुमा के इसको ऐसा फिक्स कर दो, ऐसा कुछ नहीं. और अगर ब्लॉगिंग करने के टाइम घुमा दो यहाँ पे, देखो हो गया, ब्लॉग कर सकते हो इसमें इजीली. तो रही बात इसका माउंटिंग का, कोई इशू नहीं है, स्क्रीन भी स्वाइवेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स द बेस्ट थिंग. तो ये आफ्टर माउंटिंग कुछ इस तरह से दिखेगा. और हाँ, इसमें जो ये आपको जो खांचे दिख रहे हैं, खांचे में आप इसके वायर को अटैच कर सकते हो. लाइक जो भी जगह आपके लिए प्रेफरेबल रहा, जैसे ये मैंने अटैच कर दिया. तो ये एकदम स्टेडी रहेगा, यहाँ से जो कनेक्शन है वो एकदम स्टेडी रहेगा. ये यहाँ से कनेक्शन, ये स्टेडी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अच्छा लगा अब तक का वीडियो, मतलब माउंटिंग और इंस्टॉलेशन का वीडियो अच्छा लगा? अरे यार इस तरह के वीडियो और भी आने वाले हैं यार. लेकिन हाँ, उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, क्योंकि मुझे पता है लास्ट तक कोई देखता नहीं. आई नो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं. सो मैं अभी से बता देता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब के बाद में जो बेल आइकन है, घंटी वाला जो सिंबल है, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि जब भी मेरे वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अभी मैं इसका कैमरे का सेटिंग्स बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. Look at here. All right. सबसे बड़ी बात, ये जो A प्लस है, कहा गया, हाँ ये A प्लस है, इस पर कभी मत, ये इंटेलिजेंट फोटोग्राफी है. मतलब ये खुद ब खुद ऑटो, मतलब खुद ब खुद लाइट वगैरह सब वो अटैच कर लेता है. कहा गया, हाँ लाइट, कैमरा, शटर स्पीड, वीडियोग्राफी में सब कुछ कर लेता. बट मोस्ट ऑफ अ टाइम जब आप ये अटैच करोगे ना, अटैच करने के बाद इस पर कभी मत रहना, ठीक है. इसके बाद आपको डायरेक्टली इस मैनुअल पे लाना है, ठीक है. मैनुअल पे लाके आप साउंड की सेटिंग्स कर सकते हो. हो गया है मैनुअल पे? हाँ, मैनुअल पे डाल के ये आप सेटिंग्स इसमें ही आप कर सकते हो. जैसे कि मैं अभी चालू कर रहा हूँ मेरा कैमरा, ये हो गया ऑन. अब ये मैं वीडियो शूट मोड पे लेके जाता हूँ, ठीक है. अभी वीडियो शूट मोड मेरा चालू हो गया, जैसे दिख रहा है आपको. कहाँ गया बात, हाँ ये वीडियो शूट मोड हो गया. अभी जैसे इसमें जाएंगे, जाने का सीधा आपको मेनू पे जाना है. मेनू के फर्स्ट जो ऑप्शन है कैमरे का, उस पर आपको क्लिक करना है. क्लिक, अभी देखो मूवी, डिजिटल, साउंड रिकॉर्डिंग. साउंड रिकॉर्डिंग दिख रहा है, ये सब मैंने सेटिंग करके रखा था, बट मैं आपको वापस से बताता हूँ. इस पर जाके आपको क्लिक करना है. ये पहले ऑटो में रहता है, ठीक है, लेकिन ऑटो में नहीं लेना है इसको, इसको मैनुअल पे लेना है. डिसेबल नहीं, ऑटो नहीं, मैनुअल पे. मैनुअल पे लेने के बाद रिकॉर्डिंग लेवल जो है, ये आप चाहो तो इसको, ये रेटिंग मीटर को आप कम भी कर सकते हो यहाँ तक, लेकिन इसमें आवाज़ एकदम भी नहीं आएगा. मेरा प्रेफरेंस जो है वो यहाँ तक आप लो, और मैं इसको यहाँ तक फुल ले रहा हूँ ताकि आवाज़ को पूरी तरह से कैप्चर करे. और अगर अच्छे से करना है तो ये कंप्लीट सेट, ओके, ये कंप्लीट हो गया. अभी इसके बाद जो है विंड फिल्टर एंड एटोनेटर, जो भी है. विंड फिल्टर अभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये माइक मैंने एडजस्ट कर दिया यहाँ पे, तो विंड फिल्टर डिसेबल ही रहता है. एटोनेटर को एनेबल कर देना, देखा, एनेबल. ये एनेबल करने से ना ये आवाज़ को और क्लियर फिल्टर करके अपने DSLR के अंदर फिट करते, मतलब आवाज़ की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से होती है. जो सेटिंग है ये दिख रहा है आपको, जितना मैं बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड कर रहा है अभी भी, और ये डेसिबल्स अप डाउन हो रहे. तो ये एग्जैक्टली इसका तरीका है कैमरे के अंदर सेटिंग करना. और मेरा कैमरा कौन सा है, मैं आपको आपको क्वेश्चन तो उठ रहा रहेगा, ये EOS Canon 200D Mark II. 200D Mark II का ये सेटिंग है. ये जो मैंने अभी सेटिंग किया है
वो कम्प्लीटली मैंने कम्प्लीटली तो नहीं बट एक हद तक मैंने खिड़की के सारे कांच बंद कर दिए, फैन ऑफ है, दरवाज़ा तक बंद है, मतलब ये कम्प्लीटली घर के अंदर एकदम क्वारंटीन जैसा है पूरी तरह से, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं एकदम कम्प्लीटली शांत हो जाता हूँ, पसीना छूट रहा है यार क्योंकि मैंने कांच बंद कर दिया है। इसके वजह से आपको पता चलेगा कि ये बंद कमरे में या फिर एकदम शांत एरिया में इसका आवाज़ कैसा रिकॉर्ड करता है सराउंडिंग का, शांत। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बहुत ज्यादा सन्नाटा था। मैं भाई इतना सन्नाटा में रह नहीं सकता, मुझे थोड़ा मस्ती मजा मतलब हाई वॉल्यूम गाने वगैरह एकदम पार्टी नाइट मुझे बहुत पसंद है। ये जो मेरा कैमरा है वो एकदम मेरे व्लॉगिंग जैसा रहता है, मेरा हाथ, ठीक है, ये मेरा हाथ इस हाथ के रेंज में है तो कैसा आवाज आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी थोड़ा पीछे जाता हूँ ताकि आपको पता चले वो कितना रिकॉर्ड अच्छे से कर सकता है। ओके सो मैं अभी इतना दूर हूं, ठीक है, इतना दूर में कितना रिकॉर्ड कर रहा है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। हेडफोन यूज करना, हेडफोन। अभी मैं थोड़ा और कोने में चला जाता हूं, ये कम से कम ऑलराइट, अब पता चल रहा है मैं एकदम नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूं, इसमें आपको पता चल रहा है कि कितना वो रिकॉर्ड कर रहा है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हिंट तो मिल चुका रहेगा। मिला? ओके, इससे आपको हिंट मिला कि इसका आवाज रिकॉर्ड करना इट्स लाइक बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका रिकॉर्डिंग जो है, अगर मैं कैमरा उल्टा फेस मतलब आई मीन बैक साइड ऑफ द कैमरा अगर मैं रहूँ तो उसका आवाज कैसे कैप्चर करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जस्ट टेक अ लुक, मैं अभी कैमरा घुमाता हूँ। अभी जो आवाज़ मेरा सुनाई दे रहा है आपको ये एकदम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अब मैं कैमरा घुमाना जा रहा हूँ, मतलब घुमाने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, घुमाने जा रहा हूँ मैं अभी। चेक इट आउट, ये इन फ्रंट, ये साइड और ये बैक, ये बैक का है नज़ारा, ठीक है। ये अगर मैं बैक से भी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर दिख रहा है मैं, ठीक है, ये बैक साइड ऑफ द कैमरा है, मतलब आवाज उतना रिकॉर्ड नहीं कर रहा जितना इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ज्यादा रिकॉर्ड करेगा। ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छा ही है कि अगर कोई सामने से बोलेगा तो ही रिकॉर्ड होगा, पीछे से कोई बोलेगा तो इट्स लाइक, ये भी अच्छा नहीं होता ना कि पीछे से कोई बोले, तो बेटर है कि सामने से कोई बात करेगा तो अच्छा उसका रिकॉर्ड इजीली कैप्चर करेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। कैमरे के सेटिंग्स के साथ जो माउंटिंग का है वो सभी मैंने आपको बता दिया, साउंड का जो साउंड प्रूफिंग मतलब कैसा है कि उसका आवाज़ कहाँ से कहाँ तक रिकॉर्ड करता है, कहाँ से मतलब इजीली रिकॉर्ड होता है, पीछे जाएंगे तो रिकॉर्ड नहीं होता, कैमरे के अंदर के सेटिंग्स भी आपको मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस नहीं है जैसे कि मैं पहले भी बताया था। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस सेटिंग्स में और ये जो वीडियो है उसमें आप पूरी तरह से मेरे पे रिलाय मत कीजिए क्योंकि आपको हर सेटिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। जब तक आप खेलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस में आउटपुट सही आ रहा है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मैं बार बार यही कहूँगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को और इम्प्रूव करूँ, चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस सारे लोग देखें, आगे चल के भी और भी वीडियोस आएंगे, सो उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोस को भी मैं ज़रा अच्छे से बनाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए तो मेरा लास्ट का जो है वर्डिंग से ही है, गुड बाय, अलविदा, शबा खैर, टिल देन विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है आगे चल के भी, सो बी प्रिपेयर्ड। Bye-bye.